हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मौलिक चौहान। चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, आप लोगों को ये लग रहा होगा अरे सर ने तो गलती कर दिया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे तो लिखा हुआ है। पर आई थिंक आप सब लोगों को ये न्यूज़ नहीं मिला होगा कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस कट कर दिया है। जी हाँ स्टूडेंट, सीबीएसई ने 30% सिलेबस कट कर दिया है। अब इसके चलते क्या है, तो इसके चलते डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है वो पूरा हटा दिया गया है सीबीएसई के अंदर। अगर आपका स्कूल जीएसई भी है, जैसे हमारा स्कूल अपना स्कूल स्वस्तिक जीएसई भी स्कूल है, तो उसके अंदर ऐसे सभी कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। पर 90% ऑफ द केसेस के अंदर जो भी सीबीएसई का होता जो भी सीबीएसई के अंदर चेंजेस होंगे वही के वही जीएसई के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने बिना कोई गलती किए हुए, बिना कोई इसको ज्यादा समझे हुए, हम लोगों ने सीधा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आज हमारा पहला लेक्चर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो बेसिकली ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, तो ये चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ एक सिस्टम पढ़ना है, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, मैं पूरा पूरा एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, नाक से बाबा रामदेव सांस ले रहे, सब लोग नाक से लेते हैं, तो नाक से बाबा रामदेव सांस सांस ले रहे। वो नाक से गया कहाँ गया, कहाँ गया कहाँ गया, लंग्स तक पहुंचा और कहाँ पहुंचा और कहाँ पहुंचा और कहाँ पहुंचा, कहाँ तक वो जो सांस है वो जाती है। और वो हमारे पास जो एयर है, एयर का क्या यूज है हमारे बॉडी में? जैसे ओह सर आपको नहीं पता एयर का क्या यूज है हमारे बॉडी में, मतलब ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में क्या यूज है? एयर का बेसिकली इन जनरल कोई रोल नहीं है, जो रोल है वो ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर क्या यूज है, और ब्रीथिंग किसे कहते हैं और रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो ये कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जो कंफ्यूज करती रहती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ जाती है कि इसका मतलब बताओ इसका मतलब बताओ। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ बेसिक सी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बात किया था कि मैं एक बार पेन निकाल लेता हूँ मेरा। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के बारे में। अब ब्रीदिंग का मतलब क्या है, तो ब्रीदिंग का मतलब है हम लोग जो कंटिन्यूअसली सांस लेते हैं, तो इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस क्या है, तो सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर में है कितना है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में 21% है। मेरा राइटिंग टचपैड से उतना अच्छा नहीं आएगा, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए थोड़ा, पर रीडेबल होगा। ये ऑक्सीजन एयर के थ्रू कहाँ पे जाता है, तो ये ऑक्सीजन एयर के थ्रू लंग्स के अंदर जाता है। ये ऑक्सीजन एयर के थ्रू लंग्स के अंदर चला गया। अब लंग्स के अंदर जाने के बाद गैस का एक्सचेंज होगा, वहां पे जो भी ब्लड आता है, यहाँ पे अगर ये मैं ब्लड ऐसे लिखूं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चला जाएगा, लंग से बाहर चला जाएगा। हम लोग जो एक्सेल करेंगे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, और जो ऑक्सीजन है जो हम लोगों ने लिया है एयर से वो ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा। तो ये मेन पर्पस है रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का, कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक सिंपल फिनोमिना है जिसके अंदर कोई भी गैस लिक्विड या सॉलिड हायर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन से लेकर के लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करती है, मतलब हायर से लोअर का कोई भी गैस सॉलिड लिक्विड का मूवमेंट होने वाला है। अब जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तब हमें लेने की जरूरत पड़ रही है, मतलब बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है और एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा है, तो वहां से ऑक्सीजन मूव कर गया बॉडी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.04 या 3% है, तो वो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर मूव कर गया, लंग्स के अंदर मूव कर गया, तो वहां से वो हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही नॉर्मल मैकेनिज्म हमारा काम करता है। अब हम लोगों ने ये ऑक्सीजन ले लिया,
पर ये ऑक्सीजन का क्या रोल होने वाला है बॉडी में? तो ऑक्सीजन का बेसिकली ये पर्पस होता है कि ऑक्सीजन एटीपी प्रोडक्शन में यूज आते हैं, ऑक्सीजन का यूज एटीपी प्रोडक्शन में किया जाता है। अब ये एटीपी क्या है, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा 6th चैप्टर के अंदर, तो वहां पे एक छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग कहते हैं एटीपी। अब ये जो एटीपी है ये ऐसे एक टाइप का सिक्का हो गया है, पैसा हो गया है। मतलब अगर सेल को कुछ काम करवाना है तो किसी छोटे से ऑर्गेनल को या कोई जो काम कर रहा है उसको वहां पे पैसा देना पड़ता है। ये पैसा बेसिकली एटीपी के फॉर्म में होता है और इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे ये जो मैंने टी के इन बिटवीन दो डॉट किया है, ये है ट्राई मतलब थ्री, और एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब फॉस्फेट का मतलब है एक फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे तीन फॉस्फेट ग्रुप है। तो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट ये हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। और इसके अंदर तीन फॉस्फेट है मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी है, एडीपी है एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट तो उससे कम एनर्जी है, एएमपी है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट तो उसके अंदर और कम एनर्जी। तो बेसिकली ऑक्सीजन है उसको हम लोग इनहेल करेंगे तो वो लंग्स के थ्रू ब्लड के अंदर आ जाएगा, ब्लड के थ्रू सेल्स या टिश्यू के पास चला जाएगा, टिश्यू उसका क्या यूज करेंगे तो एटीपी प्रोडक्शन में यूज करेंगे। यहाँ तक आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं थोड़ा। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जिनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट मैं यहाँ पे लेक्चर को पॉज नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे कुछ रोक नहीं सकता, नेचुरल सी चीज है, तो सॉरी फॉर दिस। दूसरी चीज हम लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले हैं। तो ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हाँ, तो ये हमारे पास है कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब ध्यान से अगर देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ह्यूमन के अंदर कौन से हैं, तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। अच्छा ये यहाँ पे जी भूल गया मैं, लंग्स हो जाता, लंग्स लंग्स हाउ डज दैट साउंड, लंग्स लंग्स है, लंग्स है, लंग्स लंग्स नहीं लंग्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑर्गन आते हैं, सबसे पहला है नोज, ठीक है, नोज के बाद एयर जाता है हमारे पास, बेसिक से देखे विंड पाइप से जाता है। विंड पाइप बेसिकली ट्रेकिया है, आप सब लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ट्रेकिया से जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एक छोटा सा यूनिट है जिसका नाम है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन का, एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर तो नहीं बोल सकते, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। आई होप आपको ये अच्छी हैंडराइटिंग मेरी पसंद आ रही होगी। तो अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लोअर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से हैं, तो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज में क्या है, तो स्पॉन्ज में नॉर्मली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जैसे इसका एक सेल होगा ऐसा नॉर्मल एक इसका सेल होगा, और ये इनर साइड हो जाता है और ये आउटर साइड हो जाता है। तो जो भी गैसियस एक्सचेंज है वो यहाँ से होगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो इनर से आउटर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा और आउटर से इनर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये नॉर्मल डिफ्यूजन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ एनी सॉलिड लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज डिफ्यूजन। तो दूसरी बात आती है अर्थवर्म की। अब अर्थवर्म का बॉडी सबको पता है कि ऐसा फ्लैट होता है, मैं इन बिटवीन सेप्टे नहीं दूर रहा हूँ, तो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे छोटा सा ही अर्थवर्म है, बड़ा बड़ा प्यारा अर्थवर्म है, आँख बना लेते इसको,
ये आँख हो गई, जीभ भी बना देते थोड़ा, ये जीभ, पैर तो इसके होते नहीं तो पैर नहीं बनाते। तो इसका जो ऊपर का लेयर है, ये जो इसका ऊपर का सरफेस है वो बड़ा चिपचिपा होता है। तो ये बेसिकली कुछ सेल होते हैं क्यूटीन सेल, तो ये क्यूटीन सेल क्या करते हैं, क्यूटिकल रिलीज करते हैं और ये इनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है और फिर वहां से ये क्यूटिकल गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई भी कपड़ा गीला होता है, बहुत सिंपल फिनोमेना है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, अगर कोई भी कपड़ा गीला होता है तो उसके अंदर से गैसेस होती है वो जल्दी से मूव हो सकती है। तो गैसेस जो है वो जल्दी से मूव हो सकती है, तो अर्थवॉर्म अपना जो बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर की जो लेयर है वो मॉइस्ट रखता है जिससे एक्सचेंज इजी होता है। फिर आती है ट्रेकियल ट्यूब्स। ट्रेकियल ट्यूब्स क्या है, तो ट्रेकियल ट्यूब्स बेसिकली कॉकरोच के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे अगर हम लोग कॉकरोच को ऊपर से देखें तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। ओ भाई ऐसे नहीं, रुको 1 मिनट। हाँ अब मैं पूरा प्रॉपर ड्रॉ करूंगा एक कॉकरोच का अपर बॉडी। ऐसे सपोज कॉकरोच है तो हम लोग उसको यहाँ से देख रहे हैं, ऐसा उसका साइज शेप नहीं है, सिर्फ समझ लेना थोड़ा थोड़ा मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे सपोज ऐसे कॉकरोच है तो उसके यहाँ पे ऐसे साइड के रीजन के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली ये डायग्राम में दिखाऊँ तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं। वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो ट्रेकियल ट्यूब्स ऐसे ऐसे इन बिटवीन पोर्स ही होते हैं, ऐसे एक ऊपर का लेयर एक नीचे का लेयर ऐसे, और ये जो बीच की खाली जगह है वहां पे सब तो लेयरिंग होगा पर इन बिटवीन छोटे छोटे पोर्स होंगे, वहां पे क्या होता है, तो वहां पे ट्रेकियल ट्यूब प्रेजेंट होती है और ये ट्रेकियल ट्यूब्स की मदद से फिर ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। उसके बाद बात आती है गिल्स की। गिल्स फिशेस अंदर भी होता है और काम से एक्सचेंज। तो ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो जो हमारे पास प्रेजेंट है सारे ऑर्गेन बेसिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो मेन पर्पस है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज करना है। सबसे एडवांस है ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर लंग्स प्रेजेंट है जो हम लोग ये चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ये है मेरा फर्स्ट वीडियो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सर। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके बाद ही जस्ट शूट करूंगा और जल्दी से जल्दी मैं मेक श्योर करूंगा कि जो मेरे लास्ट वीक के वीडियो जो पेंडिंग है वो भी मैं फिनिश कर लूँ इसी वीक के अंदर। और इसी के साथ ये वीक के अंदर आई थिंक मेरे 4 वीडियोस आएंगे जो ब्रीदिंग और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर बनेंगे, और काफी अच्छा चैप्टर है, इजी है, मैं इसको इजीएस्ट पॉसिबल वे के अंदर आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो बने रहो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।